नमस्कार, एक्सोटिक वेब मीडिया डिजिटल चैनल वर्ल्ड वाइड में आप सभी का स्वागत करती हूँ। और जैसे कि आप जानते हैं, हर सैटरडे को हम एस्ट्रोलॉजी सीरीज करते हैं। उसमें जो वेल नोन एस्ट्रोलॉजर है और काफी एस्ट्रोलॉजी में उनको अनुभव है, ऐसे गुरुजी हमारे साथ यहाँ पे उपस्थित है, किरण भाई ठक्कर, जिनको बाबा के नाम से जानते हैं। किरण जी, आपका, गुरु जी आपका मैं स्वागत करती हूँ और जय गणेश। और एस्ट्रोलॉजी सीरीज में अभी तक काफी लोगों के प्रश्न आ गए हैं और काफी लोगों को गुरु जी के द्वारा मार्गदर्शन दिया गया है, तो आज भी काफी लोगों के क्वेश्चंस है वो हम करेंगे। लेकिन उनसे पहले मैं थोड़ी सी आपको इस चैनल के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दूं। इस चैनल को 4 अगस्त को 2 साल खत्म हुए हैं। 3रे साल में इस चैनल ने प्रवेश किया है और डिजिटल के माध्यम में, डिजिटल वेब चैनल के माध्यम में ये सूरत की पहली चैनल है। और अभी तक 2 साल में सोशल मीडिया पे, वेबसाइट, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, जितनी भी सोशल साइट्स है उसके माध्यम से ऑर्गेनिक दर्शक हमारे साथ लगभग 35 लाख से ऊपर हमारे साथ दर्शक गुरुजी जुड़ चुके हैं। तो मैं आज इस शो के द्वारा मैं सभी दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ, आभार व्यक्त करती हूँ कि आपने हम पर ट्रस्ट किया, हम पर विश्वास किया और हमारे चैनल को 2 साल में इतने आगे तक आपने पहुँचाया। तो इसके लिए मैं दिल से आप सभी का धन्यवाद करती हूँ और ऐसे ही हमें सपोर्ट करते रहिएगा। और हमारे चैनल के द्वारा हम इतने सारे अवेयरनेस के प्रोग्राम लेके आते हैं लाइव, जनरली फेसबुक लाइव हम ज़्यादा करते हैं और उसके बाद यूट्यूब वेबसाइट वगैरह पे आप शो देख सकते हो। और अवेयरनेस के शो में ही ज़्यादा ऑर्गेनिक लोग जुड़े हैं क्योंकि समाज लक्षी जो भी होता है वो प्रोग्राम हमारा रहता है, प्रोग्राम वही रहता है अवेयरनेस का। तो आज के इस एस्ट्रोलॉजी सीरीज में फिर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। और गुरुजी, आज आप क्या कहना चाहेंगे हमारे शो शुरू होने से पहले? एक तो हमने 2 साल खत्म किया है, 3रे साल में हमारा ये चैनल का मंगल प्रवेश हुआ है, तो आपका भी आशीर्वचन हमें चाहिए और आपका भी आशीर्वाद चाहिए जी। पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत बधाई और इतना बढ़िया आपका चैनल चल रहा है, इतना बढ़िया सामाजिक लेवल पे आप काम कर रहे हैं। मालिक आपको प्रगति दे, उन्नति दे, यही मालिक से प्रार्थना जी। और आज 15 अगस्त है और इतने शुभ अवसर पे चैनल के ये बहुत ही बढ़िया दिन है जी। तो आप सभी को और सभी दर्शकों को भी बहुत बहुत बधाई। एक तो चैनल को आपने इतना प्रमोट करने के लिए जो मेहनत किया है, दूसरा दर्शकों ने जो सपोर्ट किया है, तीसरा 15 अगस्त जो हमारे भारत देश का स्वतंत्र का दिन है जी। तो ये सभी की बधाई आप सभी को, बस प्रार्थना सभी के लिए। सभी को हमारे चैनल के द्वारा भी आप सभी को हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। और बहुत सारी ऐसी बातें हैं हमारे चैनल के माध्यम से आपको जानने को मिलेगी। सिर्फ आपको करना है हमारे फेसबुक चैनल को, जो फेसबुक हमारा पेज है उनको लाइक करना है, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकॉन पर क्लिक भी कर दीजिएगा ताकि आप उसको नोटिफिकेशन के द्वारा आप जो भी कार्यक्रम हम करते हैं आपको उनकी जानकारी मिलती रहे। और वेबसाइट पे भी आप रजिस्टर कर दीजिएगा, वहीं से भी आपको काफ़ी सारी जानकारी मिल सकती है। और एस्ट्रोलॉजी जो आज सीरीज चल रही है उसमें अगर आपको जुड़ना है, जैसे कि आपको आपका भविष्य जानना है, आपके बारे में जानना है आपको, तो आपको सिर्फ करना है हमारा जो व्हाट्सएप नंबर है 9227645700, 9227645700 जो हमारा व्हाट्सएप नंबर है उस पर आपको भेजना है आपका नाम, आपका बर्थ प्लेस, आपका बर्थ डेट एंड आपका बर्थ टाइम और आपका सिटी, वो आप जरूर हमें भेज दीजिए। और साथ में आपके जो मन में जो प्रश्न है वो प्रश्न भी आप भेज सकते हैं। तो हर सैटरडे को ये सीरीज में आपका इसमें मार्गदर्शन जो चाहिए है वो हमारे गुरु जी। क्वेश्चंस हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जिनका क्वेश्चन से नीलम जी ने भेजा है, इनकी बर्थ डेट है 21 मई 1977
और उनका जन्म समय है सुबह 21 मई 1770 और उनका जन्म समय है सुबह 10:30 का और उनका जन्म स्थान जो है वो आनंद में है और उन्होंने जनरल क्वेश्चंस पूछा है उनके फ्यूचर के बारे में। 21/5/1970 सुबह 10:30 आनंद जी। इनका कर्क लग्न कुंडली आ रहा है दोनों साथ में है। टेक्निकल नॉलेज बहुत ही बढ़िया है और सनी बूट बहुत ही बढ़िया रिजल्ट दे रहा है 10वें स्थान में जी। इनके अंदर टेक्निकली भी बहुत ही अच्छी नॉलेज होगी और बहुत ही बढ़िया, लेकिन लग्न स्थान का मालिक थोड़ा नीच राशि में है जो उनके लिए थोड़ा मानसिक डिप्रेशन लेके आता है हर बार जी। बिना कारण का टेंशन ले लेते हैं, बिना कारण की किसी की बात में आके गलत डिसीजन ले लेना और फिर गुस्सा हो जाना, ये इनका नेचर है। वो थोड़ा गणपति मंत्र से उनको बोले थोड़ा शांत होगा और गणपति उपाय करे तो गणपति पाठ के उपाय करे, और शारीरिक अवस्था सही नहीं है तो हल्दी और शहद रोज रात को सोने से पहले एक एक चमन ले, काफी अच्छा फायदा रहेगा जी। नीलम जी, आपको आपने जो पूछा है उसका मार्गदर्शन आपको मिल गया होगा और गुरु जी जो बता रहे हैं उस पर आप ध्यान देके उस पर आप फॉलो करेंगे तो जरूर आपको इसमें फायदा हो सकता है। दूसरा क्वेश्चन से प्रवीण भाई जो है उनकी बर्थ डेट है 23 अगस्त 1971 जी। और उनका जन्म समय है दोपहर को 2 बजे और जन्म स्थान जो है वो सूरत में है और उन्होंने भी जनरल क्वेश्चंस ये पूछा है उनके हेल्थ के बारे में। 23 अगस्त 1971 दोपहर को 2 बजे सूरत जी। जी प्रवीण भाई एक साहसिक इंसान है और हेल्थ में कोई ऐसा डिस्प्यूट नहीं है, थोड़ा उसके हिसाब से थोड़ा हीमोग्लोबिन अभी कम दिख रहा है, बाकी ऐसे कोई टेंशन का विषय नहीं है जी। बस वही चीज अभी उनके बारे में और कुछ ऐसा उनको कोई उनके लिए क्या करना चाहिए? बस हल्दी और शहद जो हीमोग्लोबिन को मेंटेन करता है, उनका जो बॉडी स्ट्रक्चर बना है वो हिसाब से हल्दी और शहद उनके हीमोग्लोबिन को मेंटेन करेगा जी। और गाय को घास खिलावे जिससे वो जो बिना सोचे समझे दुस्साहस करते हैं उसमें उसका कंट्रोल रहेगा जी। प्रवीण भाई आपने भी ये सुन लिया होगा गुरुजी ने जो कहा है वो, उस पर आप जरूर ध्यान दीजिएगा और फॉलो भी करिए तो काफी फायदा आपको भी हो सकता है। उसके बाद जो है त्रिकम सिंह जी जो उनका बर्थ डेट है 30 जुलाई 1963 और उनका जन्म समय है शाम को 5:30 का और जन्म स्थान है दिल्ली और उन्होंने जनरल ये पूछा है उनके बिजनेस में उनको कैसा रहेगा। दर्शक 30 जुलाई 1963 जी शाम को 5:30 दिल्ली जी। उनका अभी चल रहा है मिथुन का चंद्र चल रहा है 8वें स्थान में, वो थोड़े डिप्रेशन में दिख रहे होगी जी। नेगेटिव थॉट्स और डिप्रेशन थोड़ा ज्यादा दिख रहा है, बिजनेस की वजह से थोड़ा उनको दिक्कत है अभी जी। जो मेरे ख्याल से अक्टूबर महीने के शुरुआत में वो सब क्लियर हो जाएगा, ऐसा कोई टेंशन नहीं है, लेकिन हाँ अभी थोड़ा संभाल के चले क्योंकि अभी थोड़ा दिक्कत है, अक्टूबर महीने के पहले वीक तक थोड़ी दिक्कत रहेगी उनको, 100% रहेगी जी। थोड़ा मेंटली पीसफुल रहे, बाकी और कोई चिंता नहीं है जी। त्रिकम जी आप मेंटली स्ट्रांग हो जाइए ताकि आपकी जो समस्याएं है बिजनेस रिलेटेड जो भी समस्याएं है वो सॉल्व भी हो सकती है और थोड़ा सा अपने माइंड को आप शांत रखिएगा तो जरूर आपको भी फायदा हो सकता है। उसके बाद है सतीश भाई जिनका बर्थ समय है 21:40 का, उनका जन्म तारीख जो है 17 जुलाई 73
और उनका जो जन्म स्थान है 40 बोले ना, हाँ जी 40 रात को, और उनका जो जन्म स्थान है वो बिहार से है और यवतमाल ऐसा कुछ उन्होंने लिखा हुआ है बिहार से। 17 जुलाई 1973 जी रात को 9:40 जी। सतीश जी की अभी पनौती चल रही है। हाँ, उन्होंने पूछा है जॉब रिलेटेड, सारे साथी पनौती चल रही है जी, जो उसको हेल्थ में थोड़ा दिक्कत कर सकती है जी, क्योंकि जन्म का शनि ऑलरेडी राहु के साथ में शापित दोष कर रहा है, जो फिजिकली उनको थोड़ा दिक्कत करेगा जी, जो काम वो करना चाहते हैं वो थोड़े डिले हो रहे हैं, वही उनको अभी दिक्कत रहेगी जी। और जॉब में कोई टेंशन नहीं है, लेकिन थोड़ा ध्यान रखें क्योंकि हेल्थ रिलेशन थोड़े प्रॉब्लम होंगे, वो चीज उनके अंदर खास दिख रही है। हाँ, तो उनके लिए गुरु जी क्या करेंगे वो कि उनके उनको काढ़ा पीना है, तुलसी के पत्ते का काढ़ा है, 10 तुलसी के पत्ते हैं जी, 4 काली मिर्च है, अदरक, नींबू, काला नमक है, पुदीना, ये सब 2 गिलास पानी में उबाल के, उबलने के बाद में 2 चम्मच शहद डाल के रोज सुबह, उनकी हेल्थ में काफी इम्प्रूवमेंट रहेगा जी। आपने सतीश जी आपको जो पे ध्यान दीजिएगा, और दर्शकों की यहाँ पे जो भी प्रिडिक्शन जन्माक्षर का किया जाता है उसमें कोई चार्ज नहीं लिया जाता है, और कभी भी आप कोई भी प्रश्न पूछ सकते हैं। और दूसरी बात यह है कि अगर आपको कुछ फायदा, अभी जिन जिन लोगों ने भी प्रश्न पूछे हैं उनको आंसर यहाँ से गुरुजी ने मार्गदर्शन दिया है, अगर उनमें आपको कुछ फर्क लगता है और गुरुजी को आप डायरेक्ट मिलना चाहते हैं या उनका संपर्क करना चाहते हैं तो जरूर हमें कांटेक्ट कीजिएगा, हम गुरुजी से डायरेक्ट आपकी मुलाकात करवा सकते हैं कि आगे आपका फ्यूचर में अगर आपको कुछ भी जरूरत है तो जरूर उनका समाधान वहां से हो सकता है। तो ये एक बात थी, क्योंकि पहली बात है कि सब कुछ फ्री में ही आपको मतलब जन्माक्षर जो भी है आपका जो देखे जाते हैं वो फ्री में होता है। और दूसरे जो क्वेश्चन है वो है आशीष राठौर जी, जो राजस्थान से है और राजस्थान में उनका जालावर जलारा पटन कुछ ऐसा जन्म स्थान है, उनकी बर्थ डेट है 8 जनवरी 1987 और जन्म समय है 1:22 नाइट को। जन्मस्थल यही उन्होंने लिखा है, राजस्थान में जो है वो जालावर जालारा पटन ऐसा कुछ लिखा है। और उनकी समस्या ऐसी है कि उनकी शादी नहीं हो रही है, और काफी लोगों को गुरुजी इनका प्रश्न थोड़ा सा एड़ा टेड़ा है कि उन्होंने ऐसा लिखा है कि जालावर कहाँ पे, राजस्थान जालारा पटन, जलारा पटन। और मतलब उन्होंने बहुत सारे मतलब लिख के भेजा है, इसमें से थोड़ा सा हमें समझ आया है तो वो मैं आपको पूछती हूँ। उन्होंने ऐसा लिखा है कि शादी नहीं हो रही है, और काफी सारे ऐसे जो जानते हैं उन लोगों को उन्होंने दिखाया है, पर अभी तक लोग अलग अलग बातें करते हैं, अलग अलग सब हमें बताया है, पर रिजल्ट अभी तक हमें कुछ भी नहीं मिला है, तो उसमें क्या कर सकते हैं वो? दो ही चीज है, एक तो मंगल पुत्र के स्थान से 12वें स्थान में है जो उनकी शादी का मेन कारक माना जाता है जी, उनके लिए दो ही चीज है, गाय को गुड़ खिलावे निरंतर। आशीष जी प्लीज ध्यान से सुनिएगा, गाय को गुड़ खिलावे और हरी घास जो उनको गाय को निरंतर खिलानी है जी। दूसरा दूध, पानी, काले तिल और कमल गट्टा जी, इसमें मिश्री डाल के रोज शिवलिंग का अभिषेक करें, ये दो चीज उनको निरंतर करने को बोले, जिससे उनको काफी अच्छा फायदा रहेगा। और इनके ग्रह नक्षत्र नवमांस कुंडली देखते हैं तो उनकी शादी के बाद में उनका फाइनेंशियली ग्रोथ बहुत बढ़िया होगा, ये दिख रहा है जी। आशीष जी ये तो अच्छी बात है कि शादी हाँ, के बाद फाइनेंशियली बहुत होगा, लेकिन शादी होनी पहले जरूरी है, नहीं वो हो जाएगी, थोड़े से ग्रह निर्बल है उसके कारण ये रुका हुआ है, वो कब तक हो सकती है शादी?
ये अगले में साल में ही 2021 के अप्रैल के बाद में ये 100% योग दिखा रहा है। जी, तो आशीष जी बहुत ज्यादा आपकी शादी हो जाए ऐसी हमारी शुभकामनाएं। और आज के हम क्वेश्चंस यहाँ तक ही लेते हैं, आगे जो भी है नेक्स्ट सैटरडे को हम क्वेश्चंस लेंगे। बट उससे पहले हमारा जो एपिसोड के अंदर ये जो है कि एस्ट्रोलॉजी सिखाना, हम लास्ट की जो 5 मिनट है वो एस्ट्रोलॉजी हम सिखाते भी है, तो आज जिनको भी एस्ट्रोलॉजी सीखनी है वो जल्दी सर का पेन और पेड लेके बैठ जाए और गुरुजी शुरू करें। उससे पहले आप उस पर ध्यान दीजिएगा। और गुरुजी आज एस्ट्रोलॉजी में आप क्या सिखाने वाले हैं? लास्ट टाइम जो हमारा रह गया था जी, कुछ इमरजेंसी आ गई थी, कुछ इमरजेंसी ऐसी थी जी, तत्व के रह गया था, वहीं से चालू करते हैं जी। तो मेष राशि जी, वो अग्नि तत्व पे डिपेंड करती है, वृषभ राशि है वो पृथ्वी तत्व पे जी, मिथुन राशि वायु तत्व पे और कर्क राशि वो जल तत्व पे डिपेंड करती है। वैसे ही सी राशि है वो वापस अग्नि तत्व पे जाएगी, कन्या राशि है पृथ्वी तत्व पे जाएगी, तुला राशि वायु तत्व पे जाएगी और वृश्चिक राशि वापस जल तत्व पे ही आएगी। जैसे धनु राशि है वो भी वापस अग्नि तत्व पे आएगी, मकर राशि है वो पृथ्वी तत्व पे आएगी, कुंभ राशि है वो वापस वायु तत्व पे आएगी और मीन राशि है वो वापस जल तत्व पे आएगी। मतलब चार तत्व है जी, चार तत्व पे राशियों को बांट दिया गया है। जैसे अग्नि तत्व में 3 राशि दी गई आई है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, व पृथ्वी तत्व में 3 राशि दी गई है, वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि। वायु तत्व पे 3 राशि का भरमार है, जैसे मिथुन, तुला और कुंभ राशि को उसमें डाला गया है। और जल तत्व पे 3 राशि है, कर्क राशि, वृश्चिक राशि और मीन राशि। जैसे राशि के तत्व है वैसे राशि के वर्ण भी है, जैसे कौन से वर्ण की राशि है वैसे 3 राशियों को क्षत्रिय वर्ण दिया गया है, मेष राशि, सिंह राशि और धनु राशि, उसको क्षत्रिय धर्म में उसको डाला गया है। वृषभ राशि, कन्या राशि और मकर राशि उसको वैश्य राशि बताई गई है, वैसे मिथुन, तुला और कुंभ राशि को शूद्र राशि बताई गई है और कर्क, वृश्चिक और मीन राशि को ब्राह्मण राशि बताई गई है जी। ये आप नोट कर लीजिए जिससे हम आगे ग्रहों पे चलेंगे अगले वीक से जी। और ये इंसान का भविष्य, इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर निर्मित करने के लिए ये चीज काफी मायने रखती है, तो ये नोट कर लीजिए खास जी। तो अभी तक गुरुजी हमने जो सिखाया है एस्ट्रोलॉजी में, तो वो थोड़ी सी हिंट हम दर्शकों को दे दे ताकि नेक्स्ट एपिसोड में हम थोड़ा क्या सिखाने वाले हैं उसकी भी थोड़ा सा हम वो भी बता दे, तो दर्शक हमारे साथ लोग ज्यादा जुड़ेंगे। आज तक हमने राशियों के बारे में ही समझाया है, राशि के तत्व, राशि के वर्ण, राशि का स्वभाव, वो सब हमने दिखाया। अभी राशि के अधिपति देव वो कौन से ग्रह है जी, उनका क्या फल होगा वो आगे से हम दिखाएंगे। जैसे नेक्स्ट वीक से जी, 9 ग्रह में कौन सा ग्रह कौन सी राशि पे अधिपतित्व रखता है जी, कौन सा ग्रह कौन सी राशि में ज्यादा फल देता है, कहाँ पे कम फल देता है, वो धीरे धीरे हम आगे लेके जाएंगे, जिससे इंसान का फल कथा, मतलब इंसान के बारे में आप पूरा ब्यौरा जान सके जी। तो आज का ये हमारी एस्ट्रोलॉजी सीरीज का आज का जो एपिसोड है वो फिनिश करने से पहले मैं गुरुजी फिर से आपका आशीर्वाद लेती हूँ। और जैसे कि ये प्रोग्राम हमारा लंबा चलता रहेगा और काफ़ी एक और चीज़ मुझे बोलनी थी कि काफ़ी लोगों के अभी तक मेरे ख्याल से 60-70 क्वेश्चंस के हमने शायद मार्गदर्शन गुरुजी ने दिया है लोगों को, तो इनमें से कई लोगों के मुझे पर्सनली कॉल आए हैं और मुझे बोला है कि आप जरूर गुरुजी को बताइएगा कि उन्होंने जो कहा है वो बिल्कुल सच था और जो जो उन्होंने कहा है वो हमने किया तो हमें रिजल्ट भी मिल रहा है। तो स्पेशली उन लोगों ने गुरुजी आपको बोला है कि हम गुरुजी का दिल से आभार मानते हैं कि इतना अच्छा हमें दिया। और कई लोग ऐसे हैं कि वो अपना नाम जाहिर करना नहीं चाहते हैं, तो ऐसे भी लोग हैं, क्योंकि हमने जब बोला कि आप फीडबैक दीजिए कि आप अपना फीडबैक हमारे माध्यम के द्वारा दीजिए,
तो शायद वो लोग उसमें देना नहीं चाहते, लेकिन मुझे पर्सनली कॉल करके उन्होंने बताया, पर्सनल मैसेज में बता रहे हैं कि हमें अच्छा और फायदा भी हुआ है। तो फिर से वापस चलने से पहले आपको बता देती हूँ कि अगर आपको भी आपका भविष्य जानना है, आपके बारे में जानना है और आपके पास कोई समस्याएं है तो उसका समाधान यहाँ से एस्ट्रोलॉजी सीरीज में किया जाएगा। ज़रूर आप नेक्स्ट सैटरडे जब एपिसोड शुरू होता है उससे पहले आपको 5 बजे से पहले आपको आपके क्वेश्चंस भेज देने हैं, तो ज़रूर आपका प्रश्न का जवाब हम यहाँ से देंगे। और ज़रूर हमारे चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे साथ जुड़े रहिएगा। गुरुजी जय गणेश, धन्यवाद, फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।